हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आज मास्टर स्ट्रोक में जो हमारी अगली खबर है, अगर वो हमने नहीं दिखाई तो मास्टर स्ट्रोक पूरा नहीं हो पाएगा। कई बार हमारे आसपास ऐसा बहुत कुछ होता है जिसे हम देखकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आज हमारे सामने एक ऐसी तस्वीर आई जिसे नजरअंदाज करने की हिम्मत हम नहीं कर पाए। ये घटना तो हफ्ते भर पहले हुई, लेकिन हम सोशल मीडिया का शुक्रिया करना चाहेंगे कि आज उसके जरिए यह खबर एक मुहिम बनी और अब टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये वारदात गॉड्स ओन कंट्री कहे जाने वाले केरल की है, जहां एक गर्भवती हथनी खाने के लिए इंसानों की बस्ती में चली आई। इंसानों ने उसे खाना दिया, लेकिन उस खाने में बारूद भर दिया। हथनी ने बारूद से भरा फल खा लिया, वो फल उसके गले में फट गया। फिर क्या हुआ, हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए। कोई इंसान कितना बेरहम हो सकता है, कोई इंसान क्रूरता की किस हद तक जा सकता है, उसका जीता जागता सबूत है ये तस्वीर। केरल की वेलियार नदी में खुद को लगभग पूरा डुबाकर खड़ी हुई यह हथनी एक ऐसे दर्द से तड़प रही थी जो उसे इंसान पर भरोसा करने के कारण मिला। इस बेजुबान जानवर ने उस दर्द के साथ करीब 3 दिन ऐसे ही पानी में बिताए। वो बिना कुछ खाए नदी में खड़ी रही और फिर इसी नदी में उसने दम तोड़ दिया। जब उसकी मौत हुई तो उस वक्त उसके पेट में उसका बच्चा भी था, जो कुछ महीनों बाद जन्म लेने वाला था। इस हथनी के साथ क्रूरता की कहानी इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। जब वो जंगलों में खाने की तलाश में घूम रही थी, तभी कुछ लोगों ने उसे पटाखों से भरा हुआ एक अनानास खिला दिया। पटाखे उसके मुंह में ही फट गए, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गई। वन विभाग के मुताबिक इसके बाद घायल हथनी दर्द से तड़पती रही, फिर भी उसने किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और जब दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो चुपचाप इस नदी में आ गई। अपने मुंह और सूंड को पानी में डालकर खड़ी हो गई। उसे लगा कि ऐसा करने से शायद उसे थोड़ी राहत मिल जाए और उसके घाव पर मक्खियां न बैठें। We observed this animal on 23rd. That was in the forest. So when staff, we actually got information from local people that there is injured, elephant, single elephant roaming around close to the buffer area. I mean, between the private and the forest. So when our staff went to saw, they saw that the lower jaw portion was exposed, and the animal was not feeding. Then I think on 24th we got information that the elephant had come down and came into this stream. मुंह में चोट के कारण हथनी कुछ खा नहीं पा रही थी, वो कमजोर होती गई। वन विभाग की टीम उसे पानी से निकालने के लिए 2 हाथी लेकर पहुंची, लेकिन हथनी ने किसी को नजदीक नहीं आने दिया। अधिकारियों की कई घंटों की कोशिश बेकार हो गई और आखिरकार उसी पानी में खड़े खड़े हथनी की मौत हो गई। इस दर्द को किसी इंसान ने भले ही न समझा हो, लेकिन इस हाथी को देखिए कैसे वो अपनी सूंड से मरी हुई हथनी को सहला रहा है। करीब 2 मिनट तक वो हाथी ऐसे ही इस हथनी को सहलाता रहा, और उसके बाद वन विभाग की टीम उसे पानी से निकाल कर ले गई और उसका अंतिम संस्कार किया। जिस इलाके में हथनी को पटाखों से भरा अनानास खिलाया गया, वो इलाका ऐसा है जहां इंसान और जंगल के जानवरों का अक्सर आमना सामना होता है, और इंसान इन जानवरों को भगाने के लिए पटाखों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो कैसे लोग थे जिन्होंने फल में पटाखे का बारूद भरकर एक भूखी हथनी को खिला दिया? वो हथनी भूखी थी, इसीलिए जंगल से निकल कर आई थी। बारूद भरा फल खाने के बाद जब उसके शरीर में जलन होने लगी तो उस जगह पर तबाही वो मचा सकती थी, लेकिन गर्भ में अपने बच्चे को लिए वो हथनी गांव के रास्ते सीधे नदी में चली गई और अपने अंदर की जलन को कम करने के लिए पानी में डूबी रही। उसने कोई हंगामा नहीं किया, वरना कई लोगों की जान चली जाती। वो हथनी इंसान का लबादा ओढ़े लोगों को मानवता सिखा गई, लेकिन उसे बारूद भरा फल खिला देने वाले लोग इंसान होने का हक गवा बैठे। और ये सब कुछ गॉड जोन कंट्री कहे जाने वाले केरल में हुआ। मास्टर स्ट्रोक एक सवाल है जिसके बारे में आप सोचिएगा जरूर। इंसान की हत्या पर फांसी की सजा, हथनी की ऐसी हत्या पर कैसी सजा?